नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। शिमला में होटल बिल को लेकर हुई खूनी झड़प, पर्यटक और होटल कर्मियों के बीच चले हॉकी स्टिक और डंडे। हिमाचल के दिग्गज नेता जीएस बाली पंचतत्व में विलीन, हजारों लोगों ने दी अश्रुपूर्ण विदाई। कांगड़ा में ब्यास नदी में दो छात्रों के डूबने की आशंका, नदी किनारे मिले कपड़े। राजेंद्र गर्ग बोले, उपभोक्ताओं को दिवाली पर 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी दे रही है सरकार। हिमाचल में दिवाली पर 2 घंटे चला सकेंगे पटाखे, अन्य त्योहारों की समय सीमा भी की तय। काजा और किलाड़ से मतदान उपरांत हवाई मार्ग से सुरक्षित पहुंचाई गई ईवीएम। हिमाचल में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, दारचा से आगे नहीं जाएंगे वाहन। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। राजधानी शिमला में बिल को लेकर पर्यटकों और होटल कर्मचारियों के बीच रविवार को खूनी झड़प देखने को मिली। शिमला के टिम्बर हाउस के नजदीक एक निजी होटल के कर्मचारियों और पर्यटकों के बीच शुरू हुई बहस खूनी झड़प में तब्दील हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला करने का आरोप भी लगाया, जहां एक और पर्यटकों ने हॉकी स्टिक और रॉड से होटल कर्मचारियों पर हमला किया तो वहीं होटल कर्मचारियों ने भी रॉड और हथियारों से पर्यटकों पर हमला कर दिया। इस दौरान काफी देर तक होटल के बाहर दोनों पक्षों में बहसबाजी होती रही, जबकि पर्यटक खुलेआम सड़कों पर ही रॉड लेकर घूमते नजर आए। वहीं पुलिस भी मौके पर काफी देर से पहुंची, तब तक दोनों पक्षों में काफी बहसबाजी हो चुकी थी। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही मामला शांत किया गया और पर्यटकों को अस्पताल भेजा गया, जबकि दूसरा पक्ष भी मौके से पुलिस थाने की ओर रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचा। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली का आज चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे रघुवीर सिंह बाली ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग चामुंडा घाट पर पहुंचे और अपने चहेते नेता को अश्रुपूर्ण विदाई दी। इससे पहले रविवार सुबह 11 बजे उनकी अंतिम यात्रा मजदूर कुटिया से निकली और करीब 2 बजे ओबीसी भवन नगरोटा बगवा पहुंची, जहां लोगों के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने भी पूर्व मंत्री जीएस बाली के निधन पर दुख प्रकट किया है और साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के थाना देहरा के तहत 2 विद्यार्थियों के ब्यास नदी में डूबने की आशंका है। पुलिस और जसूर से INDRF की टीम विद्यार्थियों को ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं लगा है। पुलिस के अनुसार अंशुल कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार गांव मनियाला डाकघर नाहर नगरोटा और आयुष पुत्र राजपाल गांव और डाकघर गली तहसील देहरा जिला कांगड़ा से 30 अक्टूबर को सुबह स्कूटी पर परागपुर की तरफ गए थे। उन्होंने घर वालों को बताया था कि वो आधार कार्ड बनाने या फिर अपडेट कराने के लिए परागपुर जा रहे हैं। दोपहर तक दोनों घर नहीं पहुंचे। घर नहीं पहुंचने पर दोनों के परिजनों ने लोगों के साथ तलाश शुरू की। रात को तलाश के बाद स्कूटी ब्यास नदी किनारे देहरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चुद्रेहड़ के फेरा के पास मिली। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवारों को 50% और APL परिवारों को 10% कम दाम पर दालें और IRDP परिवारों को खाद्य तेलों पर 30% की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, साथ ही सरकार बिजली पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। ब्रेक के बाद बात करते हैं
दिवाली पर जलने वाले पटाखों पर। हिमाचल में दिवाली पर 4 नवंबर को लोग रात 8 से 10 बजे तक यानी कि 2 घंटे ही पटाखे चला पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली सहित 4 अन्य पर्वों पर चलाई जाने वाली आतिशबाजी की समय सीमा तय कर दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के आधार पर जारी किए हैं। इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है। बोर्ड सदस्य सचिव हरिकेश मीणा ने इस बारे में लोगों से सहयोग भी मांगा है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आम जनता से अपील की है कि इस समय का पालन करें और केवल ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू ने बताया कि उपनिर्वाचन 2021 के लिए 30 अक्टूबर 2021 शनिवार को मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को सुरक्षित ढंग से स्ट्रांग रूम तक पहुंचा दिया गया है। उन्होंने बताया कि मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत लाहौल स्पीति जिला के काजा क्षेत्र से मतदान के बाद ईवीएम हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित केलांग लाई गई हैं। इसके अतिरिक्त चंबा जिला के किलाड़ क्षेत्र से भी मतदान के बाद ईवीएम हवाई मार्ग से सुरक्षित ढंग से चंबा में स्ट्रांग रूम तक पहुँचा दी गई हैं। मतदान करवाने वाले दल भी मतदान कार्य सम्पन्न करने के बाद वापस लौट गए हैं। उन्होंने बताया कि अन्य मतदान केंद्रों से भी ईवीएम मतदान के उपरांत स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखी गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम के फिर बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में 1 और 2 नवंबर को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा, वहीं 3 और 4 नवंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार 1 नवंबर से हिमाचल समेत पूरे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव आएगा। उधर न्यूनतम तापमान में कमी आने से प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।